कल रात को मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आया, मैं एक लेस्बियन लड़का हूँ। तो ये है स्वाति सचदेवा एंड इनका ऐसा ही एक शो कोटा में कुछ दिन पहले हुआ था। मैं उस शो के लिए इनवाइट भी किया गया, तो भाई मैं क्यों पीछे रहता, हम निकल लिए शो के लिए। भाई कसम से शो के लिए तो निकल लिया, पर मुझे पता नहीं था रास्ता इतना लंबा हो जाएगा और टाइम पास हो नहीं रहा था, तो हमने सोचा कि बाहर का व्यू ही देख लेते हैं ताकि टाइम पास भी हो जाए। और शायद मैं यहाँ पर शक्तिमान बनने वाला हूँ। और हम फाइनली कोटा पहुँच गए, पर यहाँ ये रिक्शा वाले भैया रिक्शा चलाने को तैयार नहीं है जब तक कोई और ना आ जाए। भैया चलो मैं लेट हो जाऊंगा, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एंड हमने फाइनली चलना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो हम पहले सिटी मॉल ही घूम लेते हैं। मैं हम सिटी मॉल घूमे और मैं गेमिंग रूम में भी गया। देन फिर शाम को भैया का कॉल आया और हम तीनों चले गए जहाँ शो लोकेशन थी, हम वहाँ पहुँच गए होटल 5 फ्लोवर में। आलोक भाई मैं और उनके एक फ्रेंड थे। एंड हम उस हॉल में पहुँच गए जहाँ शो होने वाला था। भाई मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट स्टैंड अप शो देखने जा रहा हूँ और वो एंड मैं यहाँ पर बस ऐसे ही बकचोदी करने वाला था, बिकॉज मैं अपनी लाइफ में पहला शो देख रहा था ना, तो बस ऐसे ही थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड था। माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड, मैडम आ गई है शो करने। भाई कसम से मैंने जैसे स्वाति सचदेवा को फेस टू फेस देखा ना कि मेरी निप्पल से मेरी रूह निकल गई। एंड हमने पूरा शो एंजॉय किया, उन्होंने हमें काफी कुछ बताया कॉमेडी के बारे में, वो कब से कर रहे हैं। और सॉरी यार मैं वीडियो क्लिप नहीं डाल सकता हूँ बिकॉज ये रूल है, आपको पता है जोक्स चोरी हो जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही यार, बिजनेस है यार, दिस इज बिजनेस। और शो के बाद मैंने मैम के साथ पिक लिया एंड आलोक भैया हमें स्टेशन छोड़ने के लिए निकल चुके थे बिकॉज हमें भी घर जाना था। एंड ऐसे मोर मिनी ब्लॉग्स के लिए डू सब्सक्राइब।